मैं अनुरोध करूंगी, मैं हमारी परम आदरणीय सब जोन इंचार्ज राजयोगिनी विद्या दीदी जी, वो आकर के मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगी। विद्या दीदी, सभी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे दीदी का। इसके पश्चात परम आदरणीय हमारे राजयोगी भ्राता सूरज भाई जी का मैं अनुरोध करूंगी कि वो आकर के मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सभी जोरदार करकल ध्वनि से स्वागत करेंगे। तत्पश्चात मधुबन से भाई जी के साथ में पधारी हुई हमारी राजयोगिनी आदरणीय गीता दीदी भी आई हुई हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगी आकर के मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगी। इसके पश्चात सभी जोरदार तालियों से दीदी का स्वागत करेंगे। अभी ये श्रृंखला खत्म नहीं हुई है, हमारे बीच में परम आदरणीय रुपेश भाई जी भी हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगी कि आकर मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सभी जोरदार तालियों से भाई साहब का स्वागत करेंगे। क्योंकि संख्या थोड़ी ज़्यादा हो गई है और हॉल छोटा है, तो सभी थोड़ा बिंदु रूप में हो करके आग जगह देंगे। सभी भाई बहनों को बहुत से हैं जो अभी पीछे हैं, थोड़ा और आप लोग आगे आगे हो जाओ जिससे सभी को बैठने की जगह मिलेगी। जो ज़मीन पे हैं वो थोड़ा सा और आगे आगे हो जाएंगे जिससे बैठने का सहयोग देंगे सभी। हमारे बीच मधुबन से पधारे, आप सभी जानते भी हो, आप सभी ने इनको कार्यक्रम में पीस ऑफ माइंड में भी देखा है, मधुबन भी में भी देखा है, तो भाई जी के लिए मैं क्या कहूँ, ज्ञान सूर्य के समाधान को ज्ञान किरण बन प्रकाश दिया, फरिश्तों सा उड़ना सिखला कर। तो हमारे बीच में परम श्रद्धेय राजयोगी भाई जी अपने जीवन का जिनका नाम है सूरज भाई, तो कहते हैं जिस तरह आकाश में चमकने वाला सूरज सबको ऊर्जा प्रदान करता है किंतु किसी से कोई आशा नहीं रखता है, इसी तरह से हमारे बीच में भ्राता सूर्य जी जो कि आत्म गगन के दीपमान सूर्य हैं, जिन्होंने अपना समस्त जीवन मानवता की सेवा अर्थ समर्पित कर दिया है, आपके लिए मैं क्या कहूँ, आप तेजस्वी मुखमंडल, आँखों में ईश्वरीय स्नेह की चुंबकीय चमक, दिव्य गुणों का साक्षात लहराता समुद्र, गंभीर मुद्रा किंतु जीवन में नव प्रमाण प्रतिष्ठा मुस्कान भरने वाली, अप्रत्यंत धैर्य निर्मल तथा मधुर मुस्कान से हम सभी को क्या करते हैं भाई जी, मुस्कान देख करके क्या लगता है, बाबा के पास पहुंच जाते हैं कि नहीं पहुंच जाते हम सभी? तो हम सभी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हमारे बीच पधारे सूरज भाई का। आप ईश्वरीय ज्ञान में सन 1964 से चल रहे हैं और सन 1968 से आप समर्पित रूप से अपनी सेवाएं बाबा ईश्वरीय ज्ञान में दे रहे हैं। वर्तमान में आप एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड ज्ञान सरोवर में वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक के रूप में आध्यात्मिक ज्ञान व राजयोग की शिक्षा प्रदान करते हैं। आप स्पार्क के राजयोगी लैब के समूह के संचालक भी हैं। विशेष बात, आप आबू में किचन डिपार्टमेंट के
व्यवस्थापक भी हैं। पीस ऑफ माइंड, इन सभी में आप पीस ऑफ माइंड चैनल पे आपका एक समाधान रूप से एक कार्यक्रम चलता है जो कि बहुत ही लोकप्रिय हो चुका है। भाई जी ने काफ़ी सारी किताबें भी लिखी हैं, उनमें से कुछ एक ऐसी हैं तनाव मुक्त जीवन, आपने पढ़ी होगी, संकल्प शक्ति का प्रयोग, ज़रा सोचो, आ गए प्रभु मिलन के दिन, राजयोग, अमृत ध्यारा इत्यादि कई सारी किताबों का के संस्थापक हैं भाई जी। इसके अलावा बहुत सारी वर्कशॉप्स और सेमिनार्स भी कराते रहते हैं और मुख्य टॉपिक जो होता है वो होता है तनाव मुक्त जीवन शैली, लाइफ मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, राजयोग का प्रयोग, इस तरह के इनके टॉपिक्स होते हैं। और इस टॉपिक से हम सभी को हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भी और जो नॉन बीकेज हैं हम सभी को जीवन में जीने का तरीका सिखाते हुए आज हम सबके बीच में पधारे हैं। तो मैं अनुरोध करूंगी, हमारे बीच में बहन जी हैं अंशु बहन, जो कि गुलदस्ते से भाई साहब का स्वागत करेंगी, और हमारे बीच में ब्रिगेडियर राहुल भटनागर भाई साहब भी हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगी कि आप भाई जी का शॉल के द्वारा सम्मान करेंगे। अभी सम्मान की श्रृंखला खत्म नहीं हुई है, मैं अंशु बहन से अनुरोध करूंगी कि हमारे बीच में बैठी गीता बहन जी का भी पुष्पों के द्वारा स्वागत करेंगी। ब्रिगेडियर साहिब की युगल भी हैं शायद यहाँ पे, मैं उनसे भी अनुरोध करूँगी कि गीता बहन जी को शॉल के द्वारा सम्मान करेंगे। भाई साहब अभी आप जाइएगा नहीं, भाई साहब अभी जाइएगा नहीं, रुपेश भाई जी यहाँ पे हैं, हम उनका भी स्वागत शॉल के द्वारा करवाएंगे। शॉल लेके आओ दूसरे जाओ। अंशु बहन गुलदस्ते के द्वारा रुपेश भाई का स्वागत करेंगी, ये इनको गीता बहन जी का सम्मान शॉल के द्वारा, सभी जोरदार कलकल ध्वनि से स्वागत तो हो रहा है स्टेज पे मगर तालियों की गड़गड़ाहट से पता चलता है हमारे दिल की गड़गड़ाहट। और ये रूम एक बार सभी एक हाथ की ताली से भाई जी का स्वागत करेंगे। हमारे बीच में परम आदरणीय ब्रह्मा कुमारी गीता बहन जी हैं, आपका छोटा सा परिचय इसलिए कहूंगी क्योंकि आप परिचय की मोहताज नहीं है, भाई जी के साथ में आपने अपनी एक पहचान बना ली है। आपका जन्म ईश्वरी परिवार में हुआ है, बल्कि यूं कहूं कि आप ईश्वर की गोद में पली बड़ी हैं, क्योंकि जैसे ही आपका जन्म हुआ था उसी समय आपके माता पिता ज्ञान में आ गए थे, और माता पिता तो ज्ञान में है ही, पूरा परिवार भी ज्ञान में आपका चलता है। आपने डबल एमए किया हुआ है संस्कृत और हिस्ट्री में, और आपने मास कम्युनिकेशन का कोर्स भी दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। आप एक प्रमुख प्रबल वक्ता हैं, और आपका जो टॉपिक्स होते हैं वो होता है संकल्प शक्ति का प्रयोग, भोग लगाओ भोगना मिटाओ, हलचल मची दिमाग में, तो अगली बार दीदी को कहेंगे कि दीदी हमारे को इसके ऊपर भी क्लास कराएंगी। भोग लगाओ भोगना मिटाओ, पुण्यों की पूंजी, कर्मों की गहन गति आदि विषयों पर आपका वक्तव्य सुनकर हम सभी क्या होते हैं, मोहित हो जाते हैं। ईश्वर से आपने अपना जो संबंध जोड़ा है वो तो बचपन से ही जोड़ा है, और बाकी पूरा परिवार आपका ईश्वरीय ज्ञान में चलता है। समर्पित रूप से दीदी सेवाएं जो है करती रहती हैं। इसके अलावा पीस ऑफ माइंड चैनल पर आपका एक बहुत ही फेमस कार्यक्रम चल रहा है जिसका नाम है सुहाना सफ़र,
आप ग्लोबल हॉस्पिटल में 7 वर्षों से सेवाएं प्रदान कर रही हैं और गत करीब 12 वर्षों से सूरज भाई जी के साथ में देश विदेश में ईश्वरीय ज्ञान फैला रही हैं। तो सभी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे गीता दीदी जी का। हमारे बीच में आपने देखा भी होगा, टीवी पे भी देखा होगा, रुपेश भाई जी बैठे हुए, किस किस ने देखा, हाथ उठाओ। अच्छा, किसने नहीं देखा? क्वेश्चन ठीक से सुने, किसने नहीं देखा? एक भी नहीं है। तो यहाँ जितने भी तीनों हैं, तीनों को ही टीवी में देखा है। तो रुपेश भाई जी के बारे में क्या बताऊँ, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आप हैं, आपने भी जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का कोर्स जो है प्रशिक्षण लिया हुआ है दिल्ली महाविद्यालय से। आप राजयोग शिक्षक हैं, वक्ता हैं, एंकर हैं। आप बहुत ही छोटी आयु से ही अध्यात्म में रुचि रखने लगे थे। 1992 से आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं और आप ज्ञान सरोवर में पिछले 23 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रही हैं। स्पार्क में, जो हमारा एक स्पार्क विंग है ना, स्पार्क विंग के आप फैकल्टी मेंबर हैं, यूथ विंग के कमिटी मेंबर हैं और युवा प्रभाग की जितनी भी रैलीज होती हैं उनमें आपकी सक्रिय भूमिका रहती है। इसके अलावा गॉडलीवुड स्टूडियो में भी आप एंकर हैं। पीस ऑफ माइंड टीवी शो, उसमें दो आपके टीवी शो आते हैं जो चैनल है उसमें, एक है समाधान और यह एक है दूसरा कौन सा पैसा, एक मुलाकात। ये दो कार्यक्रम आते हैं, सभी ने देखा होगा। बाकी आप देश विदेश में भिन्न रूप से जा कर के सेवाएं प्रदान करते हैं। तो हमारी परम सौभाग्य है कि तीनों हमें इस मंच में मिले हैं और हमारा ये भी सौभाग्य है कि हमें भट्टी करने का, मधुबन में तो हम करते ही हैं, भाई जी स्वयं यहाँ पे हमें योग भट्टी का अनुभव कराने के लिए आए हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगी, अब मैं दीदी से, हमारी जोन इंचार्ज परम आदरणीय राजयोगिनी विद्या दीदी से अनुरोध करूँगी कि थोड़ा सा संक्षेप में योग भट्टी के बारे में बताएंगी और फिर कार्यक्रम स्टार्ट होगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज का दिन एक विशेष दिन, ऐतिहासिक दिन कहेंगे। जब वह कहता है बाहर में हलचल हो और आप सबके पास अचल स्थिति हो, तो वर्तमान समय वही चल रहा है कि बाहर में हलचल है और इतना भी कार्यक्रम करने की परमिशन नहीं थी, लेकिन बाबा का कार्य है, बच्चों की लगन है, तो पहले सोचा कि गोविंद नगर में थोड़े से कर लेंगे, फिर हुआ कि यहाँ ऊपर छोटा हाल है 150 लोग का, उसी में कर लेते हैं। लेकिन ड्रामा अनुसार तो सूरज भाई की, सूरज को, रोशनी को लेने के लिए सब लालायित हैं। पहले हमने यहाँ के तीनों हॉल लिए थे, ये बीच का है, एक बहुत बड़ा हॉल है और तीसरा भी LED लगा देंगे और सब आराम से आएंगे। सबको मना करने के बाद इतने भाई बहन आए हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितने सब चात्रक हैं। तो वैसे तो कहा जाता है धरती के तारे, सूरज को कभी धरती का सूरज नहीं कहा गया, तो आप धरती के सूरज हैं। तो ज़रूर है कि सब भाग के बाबा के बच्चे आते हैं और भट्टी, तपस्या भट्टी, भट्टी माना ही परिवर्तन, भट्टी माना तपना और भट्टी माना अच्छे से पक जाना, अपनी स्थिति को पक्का बनाना। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि आप सभी आए हो सूरज भाई को सुनने के लिए, अनुभव करने के लिए, और अनुभव एक क्षण के लिए नहीं होता है। अगर मिट्टी का घड़ा भी भट्टी में पड़ता है, तप जाता है, पक जाता है, तो एक क्षण के लिए नहीं होता कि अभी पक गया और परिस्थिति आ जाए तो कच्चा हो जाए। तो कच्चा घड़ा नहीं, पक्का घड़ा बनना है। कच्ची ईंटों से इमारत नहीं बनती, पक्की ईंटों से बनती है। इतना पक जाए, इतना पक जाए जो आने वाली दुनिया के लिए हम क्या बन जाए, पकी हुए ईंट बन जाए, तपे हुए बन जाए, सोना सच्चा सोना बन के निकलें। इस लक्ष्य से सूरज भाई की आप सभी बातों को सुनेंगे, सुनने के साथ समाएंगे,
समाने के साथ मनन चिंतन करेंगे, फिर उसका स्वरूप बन करके दिखाएंगे। तो ऐसी तपस्या भट्टी सबको एकाग्र मन से बैठ के करना है और आप सभी उसका अनुभव करेंगे। मैं समझती हूँ सूरज भाई को कानपुर कब आना था, 2004 में, याद है भाई जी? आप कब आए हैं? 2019 और 20 के बॉर्डर पे। तो रामचंद्र तो 14 साल तक वन में तपस्या करके लौटे, तो राम बन के गए थे। जब लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के आए। और आप कितने साल के बाद आए हैं? 14 साल के बाद, 2004, 2019 बल्कि 15वां साल। तो 14 साल से भी ऊपर हो गया है। तो आप सबको इतना तप के दिखाना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम हम बन के दिखाएंगे इस भट्टी से। ये आपको, बाप दादा को, सूरज भाई को, और हमारे रूपेश भाई जी आए हुए हैं, और वो स्वरूप बन के दिखाना है। और गीता बहन तो गीता ज्ञान में नष्टो मोह स्मृति लब्धा, तो तीनों की विशेषताओं को लेकर के सर्वगुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके दिखाएंगे, ऐसी भट्टी का लाभ लेंगे। तो अब मैं अपना माइक आपको देती हूँ, सूरज भाई जी को, और आपका कोटि कोटि धन्यवाद है जो आपको कानपुर याद आया और हमने भी स्वीकार किया अपनी तरफ से। एक होता है हम निमंत्रण दे रहे हैं, आइए भाई जी के पास टाइम नहीं है या और कहीं व्यस्त हैं। ये लॉटरी हमको ऐसी मिली है कि भाई साहब ने खुद कहा कि मैं आ रहा हूँ अयोध्या, 2 दिन का समय है, आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो घर बैठे बिना मांगे सूरज भाई ने ऑफर किया, उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद है, बहुत बहुत। प्यासा कुएं के पास जाए लेकिन कुआं प्यासे के पास चल के आए, ये आपकी महानता है, विशेषता है। और मैं तो कहूँगी वो 14 साल का रिटर्न है। ओम शांति। ओम शांति। ड्रामा ऐसा ही होता है। प्रोग्राम बनारस का था, सुरेंद्र बहन की तबीयत बहुत ढीली हो गई, वो कहने लगे भाई बड़ा मुश्किल हो रहा है, हमने सोचा टिकट कैंसिल कराएं। हालांकि हमें वहाँ रहना बहुत ज़रूरी होता है मधुबन में, सोचा टिकट कैंसिल कराएं, तो गीता बहन की राय थी कि कानपुर क्यों न दे दो, बुलाते रहते हैं। तो बात की तो ये रेडी थे, इतना जल्दी कोई रेडी होता नहीं है, 10 दिन पहले की तो बात है। तो हमें भी अच्छा लगा, लेकिन बड़ा था प्रोग्राम, ये भी बड़ा ही है। मैं हमेशा सोचता हूँ जहाँ महान आत्माएँ बैठी हों, चाहे वो सो ही क्यों ना हो, बहुत हैं, हैं या नहीं, एक एक महान आत्मा। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाएंगे, वॉल्यूम और भी पास टच हो जाएगा। मैंने अयोध्या में भी कल प्रोग्राम था, साधु संत भी थे, तो एक बात कही, वहाँ अयोध्या को अयोध्या जी कहते हैं, सुना आप लोगों ने, अयोध्या जी। मैंने कहा किसी महापुरुष के होने से वो नगरी भी जी वाली हो जाती है, और जहाँ इतनी महान आत्माएँ हों
संसार क्या हो जाएगा? महान तीर्थ। हम सभी जितने महान बनेंगे हमारा देश महान तीर्थ बनेगा। बीच में गड़बड़ तो होती रहेंगी, और भी ज़्यादा होनी है, हम जानते हैं, लेकिन इन्हीं से एक शांति का मार्ग, पवित्रता का मार्ग, सुखों का मार्ग निकलेगा, निकल रहा है। तो आज हम सभी पहले चिंतन करते हैं। क्लासेस तो आप बहुत सुनते ही हैं, थोड़ा चिंतन, अपने से बात करेंगे। मेरा जीवन बहुत मूल्यवान है, सब अपने से बात करें। है क्यों? हाँ ठीक उत्तर है, और बोलो क्यों, बोलो क्यों। देखो कैसा सुंदर समय आया है भगवान धरा पर, हम उनके सामने, हमने उन्हें पहचाना, उसने हमें श्रेष्ठ भाग्य बनाने का मार्ग बता दिया। बाबा की बहुत अच्छी बात, क्यों मूल्यवान है? बाबा कहते हैं, बच्चे मेरे से जो चाहो ले लो। सुने हैं ना माँ बाप, साकार मूल्यों बहुत आते हैं। इतना मूल्यवान है हमारा जीवन कि जिसमें भगवान हम सबको अपना अधिकार दे रहा है, मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही है। मांगना भी तो नहीं आता था, छोट छोट चीज मांगते थे। जीवन बहुत मूल्यवान है, स्वीकार करें सभी। इसलिए ये जीवन व्यर्थ संकल्पों में न बीते। समय बहुत मूल्यवान है, ये समय ऐसे ही न निकले। बाबा ने समय की बहुत कीमत गिनाई है हम सबको। तुम्हारा एक एक मिनट एक एक वर्ष के समान है, सुना है ना? जिन्होंने नहीं सुना वो सुन ले। बहुत कीमती समय जिसमें हर पल हम अपना भाग्य बना रहे हैं। आज की मुरली सुनी है? किस किसने सुनी है? क्योंकि आपको यहाँ आना था तो सबने नहीं सुनी है। थोड़े से मैं बता देता हूँ। पूज्य और राज्य अधिकारी, बहुत बड़ा भाग्य मिल रहा है। और एक राज बताया बाबा ने, जो जितना राज अधिकारी बनता है उतना ही पूज्य बन जाता है। अष्टरतन सबसे बड़े इष्ट बनते हैं, जिसमें पहला नंबर ब्रह्मा बाबा जो श्री कृष्ण, उनकी पूजा का वर्णन किया बाबा ने। बच्चे के रूप में, युवका के रूप में, गोप गोपियों के साथ, लक्ष्मी नारायण के, राधे कृष्ण के रूप में, कितनी पूजा है, हर कर्म की पूजा। क्योंकि हर कर्म योग युक्त होकर किया है तो हर कर्म की पूजा हो गई। उसी में बाबा ने कही, सभी खजानों से स्वयं को भरपूर करना है। चार खजाने गिनाए, ज्ञान का खजाना, गुणों का, शक्तियों का और समय का। समय भी खजाना है ना। बच्चे का एग्जाम चल रहा है, 3 घंटे का समय है, 3 घंटे उसके लिए कितने मूल्यवान होते हैं, होते हैं या नहीं? सोचते हैं और 1 घंटा मिल जाता तो बड़ा अच्छा रहता। कितना जल्दी जल्दी करना पड़ता है। हमारा समय बहुत मूल्यवान है।
एक एक क्षण प्रभु मिलन का सुख लिया जा सकता है, तो सभी अपने जीवन को, जीवन में समय को और संकल्पों की वैल्यू को समझें। साधारण न बिता रहे हो, बातों में न बीत रहा हो समय, उलझनों में न बीत रहे हो ये सुंदर क्षण, चिंताओं और परेशानियों में न गुजर रहा हो ये अनमोल जीवन। सोचो, सभी चिंतन करेंगे, क्या लेना है मुझे बाबा से आज? पक्का कर लें, यहाँ सब पक्का करें, क्या लेना है मुझे बाबा से, संगम पर भी और भविष्य में भी। संगम की प्राप्तियां भविष्य की प्राप्तियों से भी आगे हैं, वो अभी ब्राह्मणों को पता नहीं चल रहा है, 5 साल में पता चल जाएगा। क्या चलेगा पता? जिन आत्माओं ने बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया है, जिन्होंने अपने इस अलौकिक जीवन को सफल किया है, जो योग युक्त जीवन बना चुके, जो बहुत पवित्र हो गए, साक्षात्कार होंगे उनसे, तब पता चलेगा वो सुख, वो आनंद, वो परम सुख परम आनंद बहुत बड़ा होगा। वो समय आ रहा है, अब हमारे लिए केवल विनाश का समय नहीं होगा, परम आनंद। आप सबने सुना है महादेव जब तांडव नृत्य करता है ऊपर, तब नीचे विनाश का तांडव होता है। तो शंकर किसकी यादगार है? हम सब महान तपस्वियों की। जब हम परमानंद में डांस करने लगेगा हमारा मन, तब यहाँ तांडव नृत्य होगा। इसलिए बहुत श्रेष्ठ प्राप्तियाँ अब होने वाली हैं, हो रही हैं, हो रही हैं। बोलो, हो रही हैं प्राप्तियां। सोचना है ये सुख बहुत ज्यादा प्राप्त करना है, क्या करेंगे? पसंद है अपने जीवन को वैल्यू देना? अगर आपको समस्याएं हैं, अगर आपको बंधन है, माताओं को बंधन बहुत रहते हैं, कुछ ने खुद को बांधा हुआ है, कुछ को बंधनों ने बांधा हुआ है, क्या हाल है माताओं का? बोलो, कुछ को खुद ने बांधा हुआ है, सबसे बड़ा बंधन संकल्पों का ही तो है। एक बहन का फोन आ गया, आज किसी का फोन नहीं आ रहा था, मैं सोचा ये नेटवेट बंद है, यहाँ अच्छा शांति है। आते आते एक का फोन आया अमेरिका से, मैं बहुत दुखी हूँ भाई जी। क्यों दुखी हो? 6 मास पहले ही शादी की थी, लव मैरिज, अब झगड़े हो रहे हैं बहुत। मैंने कहा ठीक है, वो तो अब तुमने प्यार किया है, अब तुम जानो, मैं उसमें क्या करूँगा भाई। मैंने कहा क्यों झगड़े? पति शराब, वो सिगरेट बहुत पीता है, इस पे झगड़ा है। सोच लो अब आप, मैं केवल आपको इसलिए सुना रहा हूँ, पति सिगरेट पीता है। मैंने कहा अरे पीने दो ना, क्यों झगड़ती हो उससे? वो कहती नहीं पीना है घर में, क्यों पी के आए, बिल्कुल बंद करो, उससे रोज झगड़ती है और कह रही है कि पति मुझे तंग करता है। देखो समस्या। मैंने उसको समझा छोड़ दो ना, पीने दो बेचारे को, सुख से तो रहो। तो कहाँ बंधन हुआ? मनो सपने को खुद ही बांधता है, खुद ही परेशान करता है, खुद ही गिराता है, खुद ही चढ़ा। समझ लेने की है, ठीक है या नहीं?
माताओं को वंदन रहा, बाबा के समय से रहा, 60 साल से रहा। कई माताएं बाथरूम की लाइट जला के मुरली पड़ती थी। मैं आपको एक हंसी की कहानी सुना दूं, गीता बहन के गांव की है, गीता पाठशाला इनके घर में। पति माताजी को आने नहीं देता था। एक दिन दरवाज़ा बंद करके ताला लगा दिया अंदर से। तो देखो माताएं, माताओं की सोच लो, बंधन है या क्या है। अभी वो ताला बंद करके अपने कमरे में बैठ गया, मज़े से हुक्का पी रहा है। अब तो जाएगी नहीं, देखता हूँ क्या करेगी। माताजी ने देखा वो सीढ़ी होती है गांव में, ये बांस की सीढ़ी लगाई, अपनी छत पे चढ़ी, सीढ़ी ऊपर खींची, दूसरी तरफ नीचे गिराई, नीचे उतरी, आ गई क्लास करने, क्लास करके गई, सीढ़ी लगी हुई थी वापस चढ़ी, सीढ़ी इधर लगाई, वापस उतरी। तब तक उसके क्रोध का पारावार नहीं था, पति के बुजुर्ग था वो भी। वो बुग्गी होती है जिस पे गन्ना लाते हैं, उसमें वो डंडे से होते हैं मोटे मोटे, एक निकाला उसकी कमर में जोर से मारा, और वो सीधी हो गई, टेढ़ी चलती थी। कमर दर्द ठीक हो गया, का एक और मार दो बस ठीक हो जाएगी। हाथ जोड़ने लगा, तुमसे भगवान बचाए। अब बोलो बंधन है या नहीं। मन कमजोर है तो बंधन है, मन शक्तिशाली है तो 1000 मार्ग हैं। मैं कन्याओं को कहा करता हूँ, सुन ले कन्याएं, बात तो थोड़ी सी भारी है। मैं कहा आजकल की कन्याएं गलत काम करने में माँ बाप की चिंता नहीं करती हैं, ठीक बात है। और तुम भगवान के कार्यों में लगने में क्या क्या सोच रही हो। जब वो अपवित्रता का मार्ग चुनने में किसी की नहीं सोचती, माँ को रोती छोड़ के चली जाती है, तो तुम पवित्रता के मार्ग पर चलने में रुक क्यों रही हो। सोचने की बात है ना। बंधन केवल मन का है। मन शक्तिशाली हो तो कोई बंधन नहीं है। तो हम सभी अब समय का पूरा फायदा उठाएंगे, उठाएंगे, अपने को श्रेष्ठ योगी बनाना है। मैं वो बात कह रहा था, अभी अभी मुरली में आया, साकार मुरली में आया है। साकार मुरलियों में कितनी गहरी बात आती है, जो बहुत पवित्र बन जाएंगे उनके ही साक्षात्कार होंगे। राज बताता है बाबा, गुये गुये राज बताता है। तो बनना है या नहीं। संपूर्ण पवित्रता का मार्ग साधनाओं का मार्ग है, वो एक दिन में नहीं आती, वो समय लेगी। लेकिन बनेंगे कौन, बोलो। हम नहीं बनेंगे तो जो देवता रहे 2500 साल, उनके अंदर ही तो देवत्व है, उनके अंदर ही तो प्योरिटी है, है वो बीज, स्ट्रोंग बीज अंदर पड़े हुए हैं, उसको अंकुरित करना है। स्ट्रोंग बीज पड़े हुए हैं, सभी विचार कर लें, हमारे अंदर शक्तियाँ भी बहुत हैं। मैं तो कहता ही था, कल मैं एक सन्यासी के मुख से सुन के मुझे लगा कि देखो बातें सब लिखी हैं, लेकिन लोग उनको अपना नहीं पाए। वो कह रहा था शक्तियां तो सबके अंदर बहुत हैं, कोई जगाने वाला गुरु चाहिए। हमारे अंदर तो वैसे ही बहुत शक्तियां हैं, और हमें जगाने वाला परम सद्गुरु भी सबसे अच्छा मिल गया है, जो रोज जगा देता है। तो जगाएं अपनी शक्तियों को, संकल्प कर लें मैं माया से अधिक शक्तिशाली हूं। क्या विचार है, माया शक्तिशाली या मैं? पीछे वाले,
हम शक्तिशाली हैं, माया शक्तिशाली नहीं है। माया कैसे शक्तिशाली बन जाती है? हंसी की बात बता रहा हूँ। बाबा ने अभी पीछे क्या कहा था, तुम योग में भोजन नहीं खाते, तुम्हारा भोजन माया खाती है, पावरफुल हो जाती है, लड़ती है फिर। ये तो बाबा सिखाता है, ये लैंग्वेज है बाबा की, हमें सिखाता है कि योग युक्त होकर भोजन खाओ। माताएं बहुत बैठी हैं, मैं तो सब माताओं को कहूँगा, ऐसा समय आ रहा है जब दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं। कितने लोग आते हैं, इलाज करा करा के थक गए, कुछ नहीं हो रहा है। डॉक्टर खुद बताते हैं दवाइयाँ रेस्पॉन्स नहीं दे रही हैं, काम नहीं कर रही हैं, क्योंकि मनुष्य के अंदर की शक्तियाँ ही कमज़ोर पड़ गई हैं। और ऐसा समय जल्दी आ जाएगा जब दवाइयाँ बिल्कुल काम नहीं करेंगी, तो क्या काम करेगा? नहीं, कुछ और। ठीक बोला। क्या काम करेगा? भोजन। सब माताओं को बिना पढ़े डॉक्टर बन जाना है। मेडिकल करने में तो कितना खर्च होता है और कितने साल लगाते हैं डॉक्टर लोग, पता कितने साल लगते हैं। मैं दांतों वालों को हंसा करता हूँ कभी, 4 साल पहले BDS, फिर 2.5-3 साल MDS, 8 साल समझ लो। मैंने कहा एक समय था दांत ऐसे ही लोग निकाल देते थे बिना पढ़े लिखे। बात निकालने की नहीं, जो भी ट्रीटमेंट है फटाफट कर देते थे ना लोग गांव में। अब 8 साल पढ़ते हैं फिर भी कभी कभी दांतों की ट्रीटमेंट नहीं कर पाते। तो कैसे बनाएंगी भोजन को औषधि? कौन कौन बनाना चाहती हैं बोलो, सच सच। आप अगर भोजन को औषधि बना दो तो आपके घर में कोई बीमारी नहीं ठहरेगी, हल्की हो जाएंगी सब। जरा सी दवाई खाएंगे और भोजन के प्रभाव से फटाफट ठीक होंगे, दोनों का काम चलेगा। ये नहीं दवाई बिल्कुल छोड़ देनी है, लेकिन भोजन को औषधि बनाओ। भोजन कैसे बनाएंगे? योगी तो नहीं रहता, तो मैंने दूसरी विधि डेवलप की फिर। बोलो, सुना है आप सबने, कौन सा स्वमान? मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, और बाबा का आह्वान कर लो। शुरू में बाबा को याद करो, उसका आह्वान करो, और फिर ये अभ्यास करते हुए, ये याद करते हुए भोजन बनाओ। तो भोजन हमारे वाइब्रेशंस को जल्दी ही ग्रहण कर लेता है। इधर दरवाजा आ जाना हो तो। भोजन हमारे वाइब्रेशंस को जल्दी ही ग्रहण कर लेता है, तुरंत पानी, भोजन, दूध फटाफट वाइब्रेशंस को ग्रहण करते हैं। और पवित्र वाइब्रेशंस सबसे बड़ी औषधि है। आप अगर उन्हें भोजन में भर देंगे तो खाने वालों के न केवल चित्त शांत होंगे लेकिन बीमारियां भी ठीक होंगी। और खाते हुए, योग में भोजन खाना है, लेकिन शुरू में भोजन को दृष्टि देकर 7 बार संकल्प कर देना, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं आपको वैज्ञानिकों की खोज के बारे में सुनाऊँ, आधुनिक खोज, अब जो चल रही है पानी पर उनकी खोज। एक युवा वैज्ञानिक पानी पर खोज कर रहा है, दिखाया पानी को, उसने देखा और कहा थैंक यू बस, और पिलाया। ब्लड पहले चेक किया था, बाद में चेक किया, ब्लड के सेल्स में अंतर आ गया। उसने कहा
कि ब्लड के सेल्स में इलेक्ट्रिकल करंट आ गया, मतलब कोई एनर्जी आ गई, जो उनकी लैंग्वेज है। अब देखो, एक छोटा सा संकल्प और हमारे संकल्प कितने पावरफुल हैं। आप पानी को दृष्टि देकर, दूध को दृष्टि देकर, भोजन को दृष्टि देकर संकल्प करना, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने हमें जीवन दिया है, तुम्हारे अंदर हीलिंग पावर है, रोगों को ठीक करने की शक्ति है। फिर संकल्प कर देना, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, या मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। आखिर में संकल्प कर देना, इस पवित्र भोजन को खाने से ये शरीर निरोग हो जाएगा। फिर खाओ पियो, बहुत भारी इफेक्ट होगा, बहुत भारी। दूसरी एक बात आप सभी को कहना चाहता हूँ, मैं आपको तीन बातें रख रहा हूँ सामने, ये बिल्कुल सुंदर और नई बातें हैं, जिससे आप अपने जीवन में बहुत लाभ ले सकते हैं। जो संकल्प हम करते हैं, हमारा ब्रेन दिमाग, ब्रेन मस्तिष्क, अपने को उन संकल्पों के अनुसार सेट कर देता है। मेरी इस एक संकल्प पे कई डॉक्टरों से अभी चर्चा हुई है, उन्होंने कहा ये बात ठीक है। तो सुंदर संकल्प किया करें। अब किसी को हाई बीपी है तो वो सदा क्या सोचता है, बीपी बहुत हाई रहता है, डॉक्टरों ने भी कह दिया पूरा जीवन गोली खाते रहना, सवेरे उठ के एक गोली आधी गोली खा लेना ठीक रहेगा। तो मन ने क्या मान लिया है, पूरा जीवन हाई बीपी रहेगा और मुझे एक गोली रोज सवेरे खा लेनी है। तो ब्रेन ने उसी तरह अपने को मैनेज कर लिया है और वो हाई बीपी सदा ही रहेगा। जिसको हो वो 7 दिन प्रयोग करके देखना, सवेरे उठते ही करना, बहुत फायदेमंद रहता है, मेरा बीपी नॉर्मल हो गया है, मैं बहुत हेल्दी हूँ, स्वस्थ हूँ, देखना क्या होता है। बस एक संकल्प, 10 सेकंड का काम है। तीसरी चीज मैं आपको एक और कहना चाहता हूँ, जो मैं अभी शुरू कर रहा हूँ, किया है, मैं आत्मा स्वराज अधिकारी हूँ। सब जानते हैं ना किस किस की मालिक हूँ, मन बुद्धि संस्कार, आगे बढ़ो, कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, एक बात और कर दो आगे, इस मालिक हूँ, हैं पांचों की मालिक। तो ये अभ्यास करेंगे, ध्यान से सुन लेंगे और सभी को ये अनुभव प्राप्त करने हैं, योग से स्वास्थ्य, मैं आत्मा स्वराज अधिकारी हूँ और मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा की मुरलियों से आपने जान लिया होगा, जब तक हम सीट पर नहीं बैठेंगे कोई हमारे ऑर्डर को नहीं मानेगा। प्राइम मिनिस्टर का भी ऑर्डर कम माना जाता है जब वो गद्दी पर है, हार जाए इलेक्शन फिर मानेगा कोई। तो हम सीट पर बैठेंगे, क्या हूँ मैं, मास्टर सर्वशक्तिवान और बोलो बोलो और स्वराज अधिकारी। बस अब ये संकल्प करके अपने ब्रेन को कमांड देना, ऑर्डर देना, हे मेरे ब्रेन अब मेरी इस बीमारी को ठीक करो, परिणाम देखना। ब्रेन उसी तरह से अपने को सेट करेगा, बीमारी को ठीक करेगा, क्योंकि ब्रेन में ही सब ताकत है, सिक्रेशन होता है वहाँ से, रसायन का स्राव होता है, रसायन निकलते रहते हैं उनसे, वो बहुत चीज़ें ठीक करते हैं। ये सबको अभ्यास करना है। अभी हम 3 मिनट के लिए स्वराज अधिकारी का अभ्यास करेंगे और एक और अभ्यास करेंगे, एक बहुत सुंदर अभ्यास आपके सामने रख रहा हूँ, रोज
एक दो बार कर लेना। हम अपने चारों ओर एक पावरफुल आभा मंडल बनाएंगे, समझते हैं ना आभा मंडल, देवताओं के चारों ओर देखा चित्रों में, किरणें फैल रही हैं, चारों ओर शक्तियों का घेरा बन गया है। कैसे बनाएंगे वो अब सब करते हैं। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर, मैं चमकती हुई तेजस्वी आत्मा मस्तक सिंहासन पर विराजमान हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मुझसे चारों ओर शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं। और मेरे चारों ओर एक बहुत शक्तिशाली आभा मंडल बन गया है, मैं उसके बीच में हूँ। इस आभा मंडल के साथ मैं आत्मा चली ऊपर की ओर, आत्मा उड़ती जा रही है अपने प्रभा मंडल के साथ परम धाम की ओर। पहुंच गई अपने धाम, ये मेरा घर है, यहाँ सुख चैन विश्राम और शांति है। फील करें शांति धाम की समस्त शांति मेरे चित्त को शांत करने लगी, चित्त शांत हो गया। यहाँ से मैं वापिस अपने सिंहासन पर मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ।
कर्म इंद्रियों की मालिक हूँ, मन बुद्धि संस्कारों की भी मालिक हूँ, इस देह की भी मालिक हूँ, अब सभी अपने ब्रेन को आदेश दे दें मेरी इस बीमारी को समाप्त करो, सच्चे मन से मालिक बनकर। ओम शांति। सफेद लाइट, अभ्यास बहुत आवश्यक है। अभ्यास कठिन चीज को भी सरल कर देता है, इसलिए बार बार अभ्यास हमें मालिक बना देगा। और ये स्वराज की स्थिति बहुत बड़ी स्थिति है। याद होगा बाबा, पिछले संडे जब बाबा की मुरली चली, बाबा ने बच्चों को दो चीज़ें याद दिलाई, स्वमानधारी और स्वराज अधिकारी। तो मैं मालिक हूँ मन और बुद्धि की, मन की मालिक हूँ मैं, ये अपने को अवेयरनेस, ये स्मृति अपने को दिलाते चलो, तो मन भी स्वीकार कर लेगा कि ये मेरे मालिक हैं, फिर मन हमारी बात को स्वीकार करेगा। क्योंकि संसार में एक बहुत बड़ी समस्या जो उग्र रूप लेती जा रही है वो है ज़्यादा सोचने की आदत। इस समय युवकों में ये समस्या तूफानी रूप से आगे बढ़ रही है, इसको ठीक करने का ये एक सुंदर स्वमान है, मैं स्वराज अधिकारी हूँ। बहुत अभ्यास करेंगे, बहुत अभ्यास माना दिन में 3 बार भी कर लो रोज, तो काफ़ी हो जाएगा। और एक बार ये प्रभा मंडल बना दें अपने चारों ओर, पसंद है? बहुत अच्छी तरह ये आभा मंडल निर्माण करेंगे, इससे सदा आप सेफ रहेंगे। जैसे आप छोटे मोटे उपद्रव होते रहते हैं, कभी बड़े हो जाएं तो आप पाएंगे कि आप सेफ हैं, सब कुछ सेफ रहेगा। हम कल जन्मभूमि देखने गए तो बताया वहाँ कि 5 आतंकवादी आ गए थे, कभी ग्रेनेड फेंक दिया था वहाँ, वो फटा ही नहीं। देख लो, जिनके चारों ओर ये आभा मंडल होगा गोली भी नहीं आएंगी, आभा मंडल से टकरा के वापस चलेगी नहीं बंदूक। तो बहुत बड़ी शक्ति है हम सबके पास, इस शक्ति को हम बढ़ाते चले। अभी न करो लाल लाइट भाई, बहुत बड़ी शक्ति है ये, अभ्यास करते चलना है। तो बहुत ध्यान देंगे अभ्यास पर, हम स्वमानधारी हैं। सभी बहनें अपने अपने घरों में एक स्वमान का अभ्यास करेंगी और अनुभव देखें क्या होता है। मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ, अपने अपने घर की करने हैं ये अभ्यास, इसलिए मैं ज़्यादा अभ्यास नहीं बताऊँगा, थोड़े से ताकि आपको याद रहें। मैं इस घर के 2-4 बार बस फीलिंग सहित, केवल रिपीट नहीं करना है, मैं हूँ, ये घर मेरा मंदिर है, मैं इसमें कौन हूँ,
इष्ट देवी, देखना क्या होता आपके घर का मंदिर बन जाएगा। जो माताएं करती हैं मुझे अनुभव सुनाती हैं, बहुत परिवर्तन आ गया, सब में परिवर्तन आ गया। तो एक भोजन बनाते हुए, एक मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ, और एक ओरा बनाना सवेर सवेरे, वो एक बार बना देना, लेकिन अपने घर में 5 बार बाप दादा का आह्वान। ये बहुत सुंदर प्रैक्टिस, छोटी बात नहीं समझना, ये सब योग। बाप दादा को बुलाओ, फील करो, आंगन में या कमरे में आकर खड़े हो गए हैं, और बाबा की किरणें चारों